काफ़ी तैयारियाँ की है शादी के लिए, काफ़ी अच्छा मेकअप भी हुआ, काफ़ी अच्छे कपड़े भी मिले हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है शादी का सीक्वेंस है। तो शादी करने भी मज़ा आ रहा है? हाँ, मेरी पहली बार हो रही है तो मज़ा ही आ रहा है। हाँ, अगर नील की बात की जाए तो नील ज़्यादा खुश नहीं है, बट सुमित की बात की जाए तो काफ़ी खुश है। ये तो रियल लाइफ शादी होगी, रियल लाइफ में अभी तो फिलहाल कोई प्लान नहीं है। मैंने अभी डायलॉग ही बोला, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है शादी करने की, बट हाँ अभी है कुछ टाइम, 3-4 साल देखते हैं। या ऑल गुड, ऑल गुड। नहीं नहीं, अभी दोनों का करियर पे फोकस है और काम पे फोकस रखा हुआ अभी। सोनल का मुझे पसंद है उसका चुलबुलापन जो है ना, वो सबसे मिलजुल जाती है बहुत जल्दी। और उसका नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव नहीं बोलूँगा बट थोड़ा थोड़ा कभी कभी लगता है कि कभी कभी ज़्यादा बोल जाती है, तो सामने वाले को अच्छा लगे ना लगे तो आपको सोच के बोलना चाहिए थोड़ा सा। कुछ ऑडियंस को कहना चाहेंगे, उन्होंने नील और दिव्यानी की केमिस्ट्री तो देखी, तो सोनल की केमिस्ट्री के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नील उससे कहीं ज़्यादा अच्छी है और ज़्यादा प्यार है और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है उससे ज़्यादा। ऑन स्क्रीन पे इसलिए ज़्यादा अच्छे से दिख पाता, अच्छे से हम प्ले कर पाते हैं कि हमें पता हम कैसे हैं, तो उस हिसाब से कर लेते हैं। हाय, माय नेम इज सुमित भारद्वाज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू टेली मसाला।